हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। बहुत दिनों के बाद, नहीं कुछ दिनों पहले ही एक व्लॉग डाला था, अभी दोबारा से एक व्लॉग डालने वाला हूँ, वो भी एकदम खतरनाक वाला। भाई मैंने 2 साल हो गए गाड़ी लेके, अभी तक मैंने कुछ भी मेरे बाइक में मॉडिफिकेशन नहीं किया है। भाई मैं वो छपरियों की तरह सच में नहीं करता हूँ अपनी बाइक को, भाई साफ सीधी क्लीन रखना है, यही मेरा एक अच्छा मोटिव था अभी तक। बस अभी मेरे को ना बाइक में एक जो LED ये आते हैं ना, वो इंडिकेटर्स, वो डलाना है, और साथ ही साथ हैंडल चेंज करना है। भाई मेरी जो बाइक है ना, हैंडल वो बहुत छोटा है, थोड़ा सा अभी 2 साल हो गए तो भाई अभी कुछ चेंज करेंगे। मेरा भाई भी वही बोल रहा था कि भाई तू इतने साल से यही बाइक चला रहा है विदाउट मॉडिफिकेशन के, तो मॉडिफिकेशन करवा ले बोल के, तो अभी मैं मॉडिफिकेशन करवाऊंगा। और भाई साहब बैंगलोर में जो इतनी धूप हो रखी है ना, भाई साहब देख लो यहाँ पे क्या ही खतरनाक वाली धूप है। भाई यहाँ का मौसम ना भाई इतना जल्दी चेंज हो रहा है ना, कभी बारिश कभी धूप। भाई रात को इतनी बारिश आ रही थी, उस समय मेरी गाड़ी आई डोंट नो कि क्या हुआ, और गाड़ी ऑन ही नहीं हो रही थी, जंप स्टार्ट करके मेरे को गाड़ी ड्राइव करके आना पड़ा इतनी दूर। भाई साहब अभी देखे तो इतनी धूप है। अभी मैं जा रहा हूँ जेसी नगर बेंगलुरु में, वहाँ पे बहुत सारे जो भी गाड़ी के पार्ट्स वगैरह मिलते हैं ना, वहाँ पे मिलते हैं, तो वहाँ पे जाके देखूँगा KTM या तो यमहा का कोई, तो वो बता रहे थे YouTube में, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखा, तब जाके मेरे को KTM और कुछ यमहा का पसंद आया है। लेट सी कि क्या होता है। और ये भाई साहब गर्मी से बचने के लिए नहीं, धूप से बचने के लिए डाला, और ये मेरी फ्रेंड ने मेरे गिफ्ट किया था, थैंक यू गिफ्ट के लिए। चलो अभी चलते हैं, लेट सी। बहुत धूप रखी है भाई। अभी मैं अपनी बैग में क्या क्या रख लेता हूँ वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये रही पावर बैंक, जिसमें बहुत सारे केबल्स और पावर बैंक है, ताकि मेरा फ़ोन डिस्चार्ज भी हो गया ना तो मैं रिचार्ज कर लूँगा। और साथ ही साथ एक मोटो व्लॉग करने के लिए मैं iPhone 8 Plus ले रहा हूँ, और साथ ही साथ ये गेमिंग फ़ोन है, और मेरा भाई भी आ रहा है साथ में, कज़िन भाई। अगर वो आ गया, अगर मैं उसके घर पर गया, तो वहाँ पर गेम खेलने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए मेरे को। और यहाँ पे देख लो हमारा PC बंद है अभी के लिए, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर देख लो कैमरा स्टैंड और पीछे का इग्नोर करना यार। भाई देख लो यार यहाँ पे क्या ही खतरनाक वाला गर्मी है भाई, और मेरी गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई है। भाई ये गर्मी में मैं कैसे चलाऊँ इतनी धूप, मेरे को सच में नहीं पता भाई, क्या ही खतरनाक वाली धूप है ना बेंगलोर में। अभी मैं करंट का जो है ना टेम्परेचर का स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे डाल देता हूँ, और जब तक वीडियो आएगा तो भाई बहुत दिन हो जाएगी मैं एडिट करके डालूँ, तब तक लेट्स सी कि कब तक मैं डालूँगा। अभी के लिए ना मैं यहाँ पे एक टेम्परेचर का स्क्रीनशॉट लेके डाल देता हूँ आपको। भाई अभी निकलूँगा, सॉन्ग्स वगैरह डाल लिया है, पहले सॉन्ग्स को म्यूट करेंगे, बहुत लाउड साउंड आ रहा है, और मेरे को पता नहीं क्यों शर्म आ रही है आज ब्लॉग करने के लिए। और ये जो मेरा हेलमेट है ना उतना स्टेबल नहीं रहता है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम भी होती है मेरे को। तो चलेंगे, फुल टैंक पड़ा हुआ है भाई पेट्रोल, और ये इतना स्टेबल है नहीं मेरा जो हेलमेट है, वो बार बार नीचे आ रहा है वज़न से। लेट्स सी कि मैं कब तक इसको संभाल के चला सकता हूँ, अगर हो गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज निकाल देंगे। और दिमाग ख़राब होता है भाई, ये मेरा हेलमेट उतना अच्छा नहीं है उसकी वजह से। पहले वाला जो हेलमेट था वो अच्छा था भाई, अभी का वाला जो हेलमेट है ना बहुत लूज है, क्योंकि मैं सिटी में चलाने के लिए लिया हूँ, तो इसकी वजह से बहुत हिलता है। लेट्स सी कि मेरे भाई के पास होगा तो उसका हेलमेट डाल लेंगे, उसमें ही बहुत दिक्कत दे रहा है हेलमेट। और स्टेबल शॉट्स में आए तो प्लीज़ कुछ मत समझना, एडजस्ट कर लेना है। अभी थोड़ा सा आगे जाके बंद कर देंगे इसको भी मोटो ब्लॉक को, क्योंकि भाई मेरा स्पेक्स अटक रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये जो मोबाइल है ना सामने पूरा वेट उसके ऊपर आ रहा है, स्पेक्स होने की वजह से अभी यहाँ पे रुका है। भाई रोड तो खाली है, बैंगलोर में ट्रैफिक कम है, होपफुली कि हमें जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे भी ट्रैफिक कम हो। आई डोंट नो कि ट्रैफिक कब तक रहेगी है इतनी खाली, क्योंकि बैंगलोर में खाली रोड देखना भाई नसीब करना है, तभी जाके खाली रोड मिलेगा, वरना तो मैं कभी भी नहीं मिलेगा तो मैं खाली रोड यहाँ पे। भाई बोला ही था कि रोड खाली है, देख लो यहाँ पे, मैंने बोला था कि भाई बैंगलोर में इतनी नसीब से मिलता है खाली रोड, और इतनी ही नसीब से चला भी जाता है। अगर मैं यहाँ पर भीड़ लगी हुई है,
इतना जल्दी जल्दी से निकल जाए गर्मी में, मेरे से कभी भी गाड़ी नहीं चलाया पा रहा है। और आपके पास कुछ जुगाड़ है तो बताओ कि इसको कैसे मैं एक जगह स्टेबल रख सकता हूँ, और मेरे को सर्विस तो ज़रूर से करवानी पड़ेगी एक बाइक को। नेक्स्ट वीक ऑफ के टाइम पर मैं ज़रूर से करवाऊँगा, जब मेरा वीक ऑफ आई थिंक इस वीक का वेडनेसडे होगा या थर्सडे होगा, जब गाँव जाऊँगा वहीं पर करवा लूँगा। मैं बैंगलोर में तो कदू कराता भी नहीं हूँ, क्योंकि भाई मेरे से एक दिन चल के भी नहीं जा सकता और ना ही बस में जा सकता हूँ, तो इसलिए जब गाँव जाऊँगा तभी करवाऊँगा। अभी यहाँ पर मार्ग पर आ रहा है मेरे को सर्विस करवाने का, यहाँ पर देख लो ये इश्यू बहुत दे रहा है, क्योंकि इसकी वजह से रात को मेरे को गाड़ी जंप स्टार्ट करके लेके आनी पड़ी। भाई फ्यूल ख़त्म हो गया था, फ्यूल जैसे ही ख़त्म हुआ मैं फ्यूल डलवाने के लिए रुका, और तब ना गाड़ी बंद हो गई, इसके बाद गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। मैं दो तीन बार देख रहा हूँ कि भाई फ्यूल में जब पेट्रोल डलवा रहा था तो पेट्रोल ही डाला है या डीजल डाल दिया है बोल के, दो बार देखा, दो बार मैंने लिटरली भाई स्मेल को ना मैं सूंघ के देखा हूँ कि क्या है बोल के, तब जाके पता चला कि भाई जंप स्टार्ट करना है, मे बी सेंसर का कुछ प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए मैंने जंप स्टार्ट किया, साथ में कोई और भी था भाई इस समय, भाई वरना मैं तो धक्के मारता, वो भी साथ में धक्के मारता भाई मेरे साथ, लेकिन कुछ ऐसा इश्यू हुआ नहीं क्योंकि मैंने जंप स्टार्ट करके गाड़ी को ऑन कर लिया था। भाई एक गलियों में जाना मतलब भाई साहब क्या बोलूँ, अभी मिलता हूँ थोड़ा आगे जाके आपको, मोबाइल बंद करता हूँ भाई क्योंकि वेट नहीं संभाला जा रहा है भाई मेरे से। अभी ना मैं मेरे कज़िन भाई को पिक करने आ चुका हूँ। भाई इतना शोर है ना यहाँ पे, भाई मैं बच्चे क्या ही शोर कर रहे हैं, मैं क्या ही बोलूँ। लेट्स सी अभी फुटेजेस कैसा आया है, जो भी मैंने इस वाले फ़ोन से करा था होपफुली अच्छा ही आया होगा। लेट्स सी दिखाता हूँ क्या, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ वो देख लो। अभी निकल रहे हैं, होप कि मेरी प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद यहाँ पे मेरा भाई ना उसके फ़ोन से शूट कर रहा था। भाई साहब यहाँ पे लोग ना इतना दिक्कत करते हैं भाई, रूल्स की माँ बहने कर देते हैं भाई, कोई फॉलो ही नहीं करता है। सामने देख लो यार, यहाँ पे पड़ा है सिग्नल, यहाँ पे देख लो ट्रिप्स जा रहे हैं, मैं क्या बोलूँ भाई। सच में कभी कभी इतना खुंदस चढ़ता है ना मेरे को रोड रेज की वजह से, भाई चुपचाप चला जाता हूँ वापस से। यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग, ये जो रोड है ना भाई साहब 30 की या 40 की स्पीड है, और बाजू देख लो यहाँ पे विधान सौदा है बेंगलुरु का, जो कि मैंने इन 28 सालों में ना कभी भी जाके एक फ़ोटो खिंचाया नहीं है। लोग दूर दूर से आते हैं भाई फ़ोटो खिंचाने के लिए, आई डोंट नो कि क्यों आते हैं। यहाँ पे देख लो कितनी भीड़ है, वो बस लोग ना फोटो खिंचा रहे हैं। यहाँ पे मैंने बोला ना कि ट्रैफिक मिलेगी ही बोल के, मेरे को पता था। अभी ना हमने मोटर व्लॉगिंग का जो भी सेटअप निकाल के मेरे भाई को दे चुका हूँ मैं गाड़ी ड्राइव करने के लिए, क्योंकि मेरे हाथ से कद्दू भी चलाया नहीं जा रहा था अभी। भाई इतनी ट्रैफिक। यहाँ पे देख लो ये जो कैमरे दिख रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो कैमरे हैं ऑटोमेटिकली भाई ट्रैफिक को डिटेक्ट करके सिग्नल ओपन करते हैं भाई ये, तो इसकी वजह से कभी कभी जो खाली रोड थोड़ा सा ट्रैफिक होती है ना, उनकी तो वाट लग जाती है कि भाई वो खड़े खड़े मैनुअल कोई इन करने वाला होता नहीं है ट्रैफिक को कंट्रोल कभी कभी, तो भाई वो लोग मजबूरन ट्रैफिक रूल्स को तोड़ के जाते हैं भाई। आई डोंट नो कि ये कब सही होगा। भाई साहब ये देख लो यार, ये कितना गंदा दिख रहा है, इतना बड़ा माला, ये क्या कर सकते हैं। अभी हम लोगों को बस थोड़ा सा बाकी है, अराउंड 1 किलोमीटर बचा है अभी भी, वहाँ से 1 किलोमीटर जाने के लिए 7:30 मिनट दिखा रहा है। लेट्स सी कि वो कितना जल्दी कवर करते हैं हम लोग। एक बार वहाँ पे पहुँच जाए तो भाई पूरा चीज़ें लेके ही निकलूँगा मैं वहाँ पे। मैंने भी एक बार वहीं पे खड़ाया था मेरी बाइक को, इतनी ही क्रॉस किया था, मेरे को 500 रुपये का फ़ाइन पड़ गया। अभी यहाँ पे कहीं पे कैमरा है नहीं, तो यहाँ पे इनको भाई साहब को नहीं पड़ेगा कैमरे में कोई भी फ़ाइन, अगर होता तो इनको भी पड़ता। भाई फाइनली हम लोग जेसी नगर या जेसी रोड जो भी है वहाँ पे पहुँच चुके हैं, अभी निकलते हैं कहीं ना कहीं जाके चक्कर ना पड़ेगा। भाई बहुत सारे दुकान आज बंद है क्योंकि आज संडे है और हमें संडे वीक ऑफ था, तो हम लोग आज ही आए हैं। लेट्स सी कि मिलता है या नहीं। अभी मैं आ चुके हैं हम लोग यहाँ पे लेने के लिए, क्योंकि मेरा हेलमेट भी सही नहीं है और मेरे भाई के पास भी हेलमेट नहीं था, तो वो भी लेना था। तो लेट्स सी कि कौन सा लेते हैं, दिखाता हूँ। पसंद आया है मेरे ब्लैक कलर का, भाई
भाई ये लोगों को, जब ब्लॉग बना रहा हो तभी हालत मानना पड़ता है क्या इन सबको। यहाँ पे देख लो बहुत सारे वैरायटी है, बट कौन सा लेना है पता नहीं, सब पसंद आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक स्टूडियो का जो भी था वो लेने का ट्राई किया, चेक कर रहा हूँ कि लाइक सही से फिट हो रहा है नहीं, क्योंकि भाई साहब इतनी सांस रुक रही है ना क्योंकि फुल टाइट है भाई, फुल टाइट है। ये टू इन वन है, एक अंदर वाइजर भी आता है और ऊपर से भी हम लोग क्लोज कर सकते हैं, तो एक अच्छा ऑप्शन था, लेकिन उतना भी टाइट नहीं चाहिए मेरे को। इतनी जगह हमने छान मारा ना हैंडल के लिए, भाई सब लोग स्टॉक वाले को ही हाइट करवाने के लिए रिकमेंडेड कर रहे हैं भाई, क्योंकि उसका कोई हैंडल ही आया नहीं बोल के। आई डोंट नो कि अभी क्या करना है क्या नहीं, भाई इतनी खतरनाक वाली नींद आ रही है ना, अगर घर पे होता तो मस्त सोते रहता भाई अभी, लेकिन मेरे को कुछ भी करके वो मॉडिफिकेशन करवाना है बाइक को भाई। बहुत 2 साल हो गए स्टॉक गाड़ी चला रहा हूँ मैं, लेट्स सी क्या होता है भाई। घंटा भी हमें कुछ मिला नहीं वहाँ पे गए थे, क्योंकि आज संडे था और पूरा का पूरा मेन जहाँ पे चीज़ें मिलती है पूरा बंद था भाई, और जहाँ पे वो था कि जहाँ पे ले सकते हैं उनके पास कोई मैकेनिक नहीं था, तो लेट्स सी कि अभी कल बुलाया है देखेंगे, क्योंकि जो स्टॉक वाला है वो थोड़ा चेंजेस है, तो इसकी वजह से हम लोगों को उसी में ही इंस्टॉल करवाना पड़ेगा अभी कुछ ना कुछ जुगाड़ करके। ऑप्शन नहीं है एक्सटेंड करने का, हाइट करने का, बट इसको जुगाड़ करके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी एक ऑप्शन है। सो मैंने आपको ये नहीं दिखाया था ना, तो हमने वेगा का लिया है बोल्ट, मैंने नहीं लिया, मेरा भाई ने लिया है। यहाँ पे उसने ऑलरेडी जो भी ब्लॉगिंग का था वो ऑलरेडी डाल चुका है। उसके बाद आ चुका होता हूँ मैं हेयर कट्स के लिए, भाई सब इतना मोटा हो रखा हूँ ना मैं भाई, मेरे को वेट लूज करना है भाई, बहुत वेट हो चुका हूँ भाई, स्टमक देख लो मेरा। गुड मॉर्निंग गाइज, भाई बहुत दिनों के बाद मैं ये व्लॉग को दोबारा से कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसको इग्नोर करो, ये कूड़ा है जो कि मेरे को फेंकना है, टाइम नहीं मिल रहा है भाई। लास्ट वीडियो में जब मैंने बोला था कि हैंडल चेंज करूँगा, उसके बाद मेरे को छुट्टी नहीं मिली है, कुछ भी करने के लिए छुट्टी नहीं मिली है। मेरे को लेना है न्यू फ़ोन, ये जो अभी मैं जो शूट कर रहा हूँ आईफोन 12 है, और 3 साल पहले कुछ लिया था मैंने, 3 या 2.5 साल पहले। तो अभी एक न्यू ऑफ़र आया है एक्सचेंज वाला, तो उसको देख के मैं 15 प्लस या तो 16 प्लस का प्लान कर रहा हूँ। लेट्स सी, पहले जाएंगे मजदूरी करने के लिए, मजदूरी में जो भी होता है वो ख़त्म करके उसके बाद जाऊँगा मैं मोबाइल लेने के लिए, अभी चलता हूँ। यहाँ पे मेरी बाइक अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि मैं कहीं और पे खड़ा रहा हूँ आजकल, वहाँ पे जाना है मेरे को चल के। भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मेरे को चलना मुश्किल होता है भाई, अगर 2 किलोमीटर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा चल गया ना तो भाई सांस फूल जाए, क्योंकि मैं इतना वेट गेन कर चुका हूँ भाई ऑफिस में बैठ बैठ के। अभी आ चुका हूँ ऑफिस के लिए, ऑफिस में काम वगैरह ख़त्म करके निकलेंगे, मेरे होम टाउन को जाना है भाई वापस से फ़ोन लेने के लिए, क्योंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ बैंगलोर में वहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं वर्क कर रही थी, तो इसकी वजह से मेरे को वहाँ पे जाना पड़ रहा है। लेट्स गो टुडे गाइस। ये मेरा की चैन है जो कि मैंने बहुत दिन पहले लिया था, अभी तक उसको ऐसे ही रखे था भाई, मेरी बाइक में कोई की चैन नहीं था तो डाल लिया। अभी आ चुका हूँ मेरे नेटिव के लिए, यहाँ पे मेरे भाई का वेट कर रहा हूँ इमेजिन स्टोर को जाने के लिए, क्योंकि मैं आज लेने वाला हूँ आईफोन 16 या तो 15 भाई साहब। मैं आ चुका हूँ अंदर यहाँ पे आईफोन लेने के लिए, मैं शर्म आ रही है, और ये लास्ट वीडियो होगा जो मैं 12 से शूट करने वाला हूँ, अभी 16 प्लस या तो 15 प्लस से शूट करेंगे नेक्स्ट, अभी देख लो यहाँ पे आया हूँ भाई। इसमें चार्ज ही नहीं है, ये डेमो के लिए रखा है, आई थिंक ये 16 प्लस रखा है और डेमो के लिए है ही नहीं, मेरे को लेना भी है क्या बोलूँ अभी मैं इसको चार्जिंग के लिए बोलता हूँ चेक। भाई साहब 16 और 15 में इतना डिफरेंस है ना भाई साहब, क्या बोलूँ, उतना भी नहीं है भाई, मजाक कर रहा हूँ, कद्दू भी कुछ चेंजेस नहीं है, और कलर्स देख लो यार, इतने डार्क पिंक कलर छोड़ा है भाई, रोज गोल्ड छोड़ देता है ना वो मैं ले लेता, ब्लैक मेरे को नहीं लेना था, मैंने पिंक लिया है। और यहाँ पे हम लोग गेम खेल रहे हैं मैक के अंदर,
भाई साहब ये वाला गेम के जो ग्राफिक्स दिख रहे थे ना भाई साहब, एकदम खतरनाक भाई। आई डोंट नो कि इसके अंदर कौन सा ग्राफिक कार्ड है भाई, कुछ भी कहो ग्राफिक्स एकदम नेक्स्ट लेवल वाले थे भाई यहाँ पे जब चल रहा था गेम। उसके बाद अनबॉक्सिंग का टाइम आ जाता है भाई साहब। तो आपके लाइफ में कोई इंसान ऐसा होता है जो आपकी खुशी में वो भी खुश रहता है भाई? यहाँ पे मेरा भाई था मेरे साथ भाई, वो हर छोटी चीज़ में भी रहता है और बड़ी चीज़ में भी वो मेरे साथ रहता है भाई, हर खुशी और गम में वही रहता है भाई। ज़िंदगी में ऐसा एक दोस्त ऐसा एक भाई मिलना भाई मुश्किल है, जो कि मेरे को मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ भाई। देख लो यहाँ पे वही रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो बैकग्राउंड में हमने उसको हटाया क्योंकि बच्चे इतने चिल्ला रहे थे भाई इमेजिन के अंदर। यहाँ पे देख लो हमारा आईफोन 16 प्लस ऑन हो रहा है भाई। ब्लैक मेरे को नहीं लेना था क्योंकि मैं ब्लैक यूज़ करके बस हो चुका हूँ। लास्ट ऑप्शन था पिंक, तो इसलिए हमने पिंक ले लिया है भाई। सच में यहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ कि भाई कौन सा है, मतलब मेटल का है या क्या, क्योंकि मैंने रिव्यूज वगैरह कद्दू भी देखा नहीं है। ऑल राइट गाइस, अभी मॉर्निंग हो रही है, मैं वापस से जा रहा हूँ और 16 की क्लैरिटी देख लो भाई, 16 प्लस की उतनी कुछ हाई लेवल की नहीं दिख रही है जितनी मेरे को 12 में दिख रही थी। आई डोंट नो कि क्यों, आई थिंक नया कैमरा होगा इसलिए। अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे चाय पीने के लिए। ज़िंदगी हो तो एक भाई है भाई इसके जैसी, भाई एक बार, भाई एक बार मुंह धोने के लिए ना वो पूरा साबुन यूज़ करता है बस एक बार के लिए। ज़िंदगी हो तो ऐसी, वरना पता है ना भाई। रूम को आ चुका हूँ अभी और मेरा जो OS है ना वो उड़ चुका है मेरे एक्चुअल PC में, तो अभी मेरे को OS डालना है और किसी के पास OS नहीं था पेनड्राइव में, तो अभी मेरे पास लास्ट ऑप्शन ये बचा है कि मेरे पास विंडोज़ 8 और विंडोज़ 7 पड़ा है, वो भी CD के अंदर। तो अभी मेरे सिस्टम के अंदर CD ड्राइव नहीं है, लेकिन मैं जुगाड़ बनाया है ना वो आपको दिखाता हूँ, प्लीज़ देखो क्या ही खतरनाक वाला जुगाड़ है, इग्नोर करो। देख लो भाई ये वाले PC के अंदर OS डालना है और इसके अंदर CD रीडर नहीं है, तो इसके अंदर CD रीडर है, तो मैं यहाँ से कनेक्शन डाला हूँ भाई। इस वाले PC के अंदर कुछ भी नहीं है तो खाली है, तो यहाँ पे जो CD रीडर है तो इसके CD रीडर को मैंने यहाँ से कनेक्शन देके अभी विंडोज़ OS इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो यार बस आज के लिए इतना ही है, अराउंड 2-3 दिन के बाद मैं ये आउटरो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे को एडिट करने के लिए कब टाइम मिलेगा मेरे को भी नहीं पता, जब भी टाइम मिलेगा उस टाइम एडिट कर लूँगा भाई। लास्ट 25 दिन से मेरे को छुट्टी नहीं मिली है भाई, ना ही मेरे को लाइक टाइम मिल रहा है। अराउंड 10 या 12 घंटे, कभी कभी 14 घंटे ऑफिस में काम कर रहा हूँ, और तो उसकी वजह से मेरे को दिक्कत हो रही है एडिट वगैरह करने के लिए। लेट सी कि मैं ये वाले ब्लॉग को कब एडिट करूँगा, एडिट करने के बाद कब पोस्ट करूँगा मेरे को भी नहीं पता। बट अभी के लिए ना ये वाला ब्लॉग कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आईफोन 16 प्लस हमने खरीद लिया है फाइनली, तो अभी ना पूरे ब्लॉग्स वगैरह जो भी वीडियोस आते हैं इसी में आएंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।